नोएडा से खबर है जहां प्रियंका गांधी से बदसलूकी का मामला। नोएडा पुलिस ने ट्वीट करके खेद व्यक्त किया है। हाथरस जाने के दौरान प्रियंका गांधी से बदसलूकी हुई थी। वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी करेंगी मामले की जांच पड़ताल। जी हां, नोएडा पुलिस ने ट्वीट करके आखिरकार इस पूरे मामले पर खेद भी जाहिर किया है। हाथरस जाने के दौरान प्रियंका गांधी से बदसलूकी की गई थी। डीएनडी पर जिस तरीके का माहौल था उसमें ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और पुलिस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जा रहा था कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इसी तरीके से काम करती है। एक महिला नेत्री के साथ में इस तरीके की बदसलूकी की जाएगी, वो भी प्रियंका गांधी जमीन पर उतरी हुई थी। हाथरस केस को लेकर गुड़िया के परिवार से मुलाकात करने के लिए जद्दोजहद चल रही थी। दलबल के साथ में डीएनडी पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही पहुंचे हुए थे और उनको रोकने के चक्कर में जिस तरीके की बदसलूकी यहां पर हुई थी, पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं व्यवहार सही नहीं किया गया था, जिसको लेकर पुलिस के ऊपर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर ये फोटो लगातार ट्रेंड कर रहा था कि आखिरकार क्या यूपी की पुलिस ऐसे ही महिलाओं से व्यवहार करती है। एक तरफ महिला अपराध लगातार चरम पर है, दूसरी तरफ अगर महिला नेता जमीन पर उतरते हैं तो उनके साथ में इस तरीके की बदसलूकी की जाती है। प्रियंका गांधी जमीन पर उतरी हुई थी अपने दलबल के साथ में हाथरस गुड़िया के परिवार से मुलाकात करने के लिए और उसी बीच में लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के दौरान जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि पुलिस किस तरीके के कार्य कर रही है। लेकिन अब नोएडा पुलिस ने ट्वीट करके इस पूरे मामले पर खेद भी व्यक्त किया है।